आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको वॉक इंस्टिंक्ट जिसको हम छड़ी बोलते हैं उसके साथ चलने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आपकी हिप या नी आर्थराइटिस है और पेन की वजह से चलने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो हो सकता है कि आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको मशवरा दिया हो कि आप चलने की स्टिक का इस्तेमाल करें, या आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और उसकी वजह से आपका बैलेंस खराब है तो हो सकता है कि आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको मशवरा दिया हो कि आप चलने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करें, या आप एक ओल्ड एज के पेशेंट हैं, बुजुर्ग पेशेंट हैं और जनरलाइज बॉडी वीकनेस की वजह से आपको चलने में डिफिकल्टी आ रही है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया हो कि चलने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करें। इसमें कोई शक नहीं कि स्टिक एक बहुत ही जबरदस्त वॉकिंग एड है, लेकिन स्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में हर साल 47,000 से ज्यादा मरीज स्टिक को सही इस्तेमाल ना करने की वजह से गिर जाते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि आप स्टिक का इस्तेमाल करें तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टिक की हाइट को कैसे एडजस्ट करते हैं, स्टिक के साथ चलने का सही तरीका क्या है, स्टिक को किस हाथ में पकड़ना चाहिए और स्टिक के साथ कैसे सीढ़ियां उतरते और चढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टिक की हाइट को एडजस्ट करने का तरीका सीखते हैं। स्टिक की जो हाइट को हम एडजस्ट करने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो रिस्ट का जो हैंडल है जिसको हमें ग्रिप करना है उसका जो लेवल है वो हमारे रिस्ट लेवल पे यहाँ पे क्रीजेस बनती है वहां तक होना चाहिए। हमने अपनी स्टिक को पहले से एडजस्ट किया होगा, ये देखिए मेरे हिसाब से स्टिक की जो हाइट है वो परफेक्ट है, ठीक है, ना इसे नीचे होनी चाहिए और ना ही इसका हैंडल ज्यादा ऊपर होना चाहिए। स्टिक की जो हाइट है एडजस्ट करने के लिए ये देखिए स्टिक के हाइट एडजस्टेबल बटन आते हैं, इनकी मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने माइंड में रखिए अगर तो स्टिक हमारी बहुत ज्यादा ऊंची होगी, इसको अज्यूम करते हैं कि मैं इसको ऊंचा कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे जब मैं इस पर वजन डालूंगा तो क्या होगा, मेरा कंधा ऊपर चला जाएगा, उससे मेरी शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी नेक में पेन हो सकती है। और अगर फर्स्ट डे अज्यूम करते हैं कि हम स्टिक की हाइट को छोटा कर देते हैं, हमारी हाइट मुताबिक नहीं आती, तो क्या होगा कि देखिए स्टिक है, अब मुझे झुकना पड़ेगा, इससे मेरी बैक में चलने से दर्द आ जाएगी। तो आइडियली जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि जो स्टिक की हाइट है वो आपके क्रीज लेवल पे, रिस्ट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टिक को इस्तेमाल करने से पहले स्टिक की हाइट को जरूर एडजस्ट करें। स्टिक की हाइट एडजस्टमेंट के बाद जो दूसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि हमें स्टिक किस हाथ में पकड़नी चाहिए। नॉर्मली ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि अगर लेफ्ट से मैं ज़ूम कर लूं तो मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है या लेफ्ट नी में पेन है तो मुझे स्टिक जो है वो राइट हैंड में पकड़नी है। अगर मेरे राइट नी में पेन, राइट हिप में पेन है या राइट नी में पेन है तो मुझे स्टिक लेफ्ट हैंड में पकड़नी चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही हिप या नी का मसला है या वीकनेस है तो आपकी चॉइस है कि आप किसी अपने डोमिनेटिंग हैंड में स्टिक को पकड़ सकते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो क्यों मुझे राइट हैंड में पकड़नी चाहिए, ये देखिए स्टिक मैंने राइट हैंड में पकड़ी है तो जब मैंने लेफ्ट नी को आगे किया है उस वक्त कुछ वेट जो है वो मेरी स्टिक लेगी, जब वो स्टिक लेगी तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ वेट में जो शिफ्ट हो जाएगी स्टिक के ऊपर तो मेरे नी में पेन कम फील होगी। इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि जो स्टिक है वो शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ पेनफुल नी या पेनफुल हिप होना चाहिए। स्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर स्टिक हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कई दफा लोग डर के मारे प्रैक्टिस नहीं करते और उनको स्टिक का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आप इस तरीके को समझिए कि नॉर्मली हम अपने पेशेंट क्या कहते हैं तो स्टिक अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई है, लेफ्ट नी हमारा पेनफुल है, हम उसे कहते हैं कि नंबर वन स्टिक आप आगे लेके जाए, कितना हमारा आर्म स्ट्रेच है उतना लेके जाए या जितना हमने स्टेप लेना है। नंबर टू पे हम कहते हैं कि लेफ्ट नी को आगे लेके जाए जो कि पेनफुल नी है। नंबर थ्री पे हम अपने राइट लेग पर लेके जाए। नॉर्मल हम अपने पिछले वाइज बात है, नंबर वन स्टिक, नंबर टू लेफ्ट लेग, नंबर थ्री राइट लेग, नंबर वन स्टिक, नंबर टू लेफ्ट लेग, नंबर थ्री राइट लेग। यकीन मानिए जब आप इन स्टेप्स को बार बार रिवाइज करेंगे, दो चार दिन प्रैक्टिस करेंगे, पांच पांच मिनट, दस दस मिनट दिन के अंदर, तो उससे आपकी एक रिदम बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि स्टिक को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। होगा क्या, तीन चार दिन के बाद, पांच दिन के बाद आप ऑटोमेटिकली स्टिक लेफ्ट राइट खुद खुद ही आप इसमें अच्छी एक रिदम से चल रहे होंगे कि आपको चलने में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी और आप स्टिक से डरेंगे भी नहीं, स्टिक आपका साथी बन जाएगी। नॉर्मली हमारे पेशेंट पूछते हैं कि स्टिक कौन से इस्तेमाल करें, ये आप ये देखेंगे तो टेट्रापोड स्टिक है जिसके नीचे चार कोन है, ये सिंगल स्टिक है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट से कहता हूँ कि जो यंग हैं, जो फिट हैं, जिनको बहुत थोड़ा बैलेंस का मसला है, जिनको वीकनेस नहीं है, जिनका वेट कम है, उन
उनके लिए सिंगल स्टिक बहुत बेहतर है, क्योंकि सिंगल स्टिक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पांव के आगे नहीं आती और आप थोड़ा तेज चल लेते हैं, तो सिंगल स्टिक का ये एडवांटेज है। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है और आपकी वीकनेस ज्यादा है, आपको बैलेंस इश्यू ज्यादा है, या आप न्यूरोलॉजिकल डिजीज फालिश से सफर कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपको टेट्रापोड स्टिक इस्तेमाल करें। टेट्रापोड स्टिक के अंदर कोशिश करें कि छोटी बेस वाली ले, क्योंकि हमारे यहाँ कई दफा स्टिक्स बड़ी बेस वाली आती है और वो आपके पाँव के आगे आती है जिससे गिरने के चांस होते हैं। टेट्रापोड स्टिक का जो इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड रखें, जब हम वो इस्तेमाल करें तो स्टिक जब आप आगे रखें तो चारों पाँव उसके नीचे लगने चाहिए। क्या होता है टेट्रापोड, ये चार पाउंड स्टिक का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है कि जब वो चार पाउंड नीचे नहीं लगते तो कई दफा हमें डोलपन आता है, गिरने के चांस होते हैं। तो इसकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी नंबर वन स्टिक रखें, आराम से अपना लेफ्ट पाउंड और फिर दाएं पाउंड आगे लेके जाएं, इससे आप गिरने के चांसेस कम कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग लेग है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, तो हमने जो स्टेप्स हैं वो राइट लेग से चढ़ने हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि हमारी लेफ्ट साइड पर रेलिंग होनी चाहिए, हमने रेलिंग को पकड़ा सबसे पहले, नंबर वन स्टेप अज्यूम कर लेते हैं दोबारा से रेलिंग लगी हुई है, हमने रेलिंग को पकड़ा, फिर हमने स्टिक को ऊपर रख दिया पहले स्टेप के ऊपर, फिर हमने राइट लेग को ऊपर रखा, और उस वक्त जब हमने रखा हमने रेलिंग को पकड़ा हुआ था, स्टिक को पकड़ा हुआ था, तो वेट हमारा शिफ्ट हो गया हमारी लेफ्ट लेग से, हमने उसको पकड़ा और हमने सीढ़ी चढ़ ली, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए मैंने क्या किया, रेलिंग को पकड़ा, स्टिक पहले ऊपर रख ली, फिर मैंने अपना दाया पांव ऊपर रखा और ये सीढ़ी चढ़ गया। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से पेन फ्री होके सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। सीढ़ियां उतरते वक्त हमें जो हमारी बैड लेग है, जो कमजोर लेग है, जो पेनफुल लेग है, उसे उतरना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी लेफ्ट नी जो है वो वीक लेग है, पेनफुल लेग है, हमने उसे उतरना है। उतरते वक्त हम क्या करेंगे कि रेलिंग को पकड़ेंगे, जो स्टिक थी सबसे पहले नंबर वन स्टिक को नीचे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हमने रेलिंग को पकड़ा हुआ है और हमने अपनी लेफ्ट लेग को नीचे ले आए। इसमें देखिए लेफ्ट लेग जब स्ट्रेट रहती है तो उसमें पेन भी कम होती है और वेट क्योंकि हमने स्टिक पे शिफ्ट कर लिया, फिर हम अपना राइट फुट नीचे ले आते हैं, फिर उसके बाद हम स्टिक को नीचे लेके जाते हैं। हर दफा हर स्टेप के ऊपर नंबर वन को स्टिक जाएगी, फिर हम रेलिंग को पकड़ेंगे और फिर हम अपने लेफ्ट लेग को फिर स्ट्रेट लेग के साथ उतारेंगे। तो इस तरीके से हमें सीढ़ियां उतरनी चढ़नी, इससे सीढ़ियां उतरते वक्त हमारे नी में पेन भी नहीं होगा, तो हम ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से सीढ़ियां चढ़ और उतर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियो के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हम नासर हो। अल्लाह हाफिज।